भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच राजकोट में खेला गया दूसरा वनडे मैच भारत की टीम ने 36 रन के अंतर से जीत लिया है। भले इस मैच को भारत ने अपने नाम कर लिया हो, लेकिन इस मैच से भारतीय प्रशंसकों के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है। दरअसल भारतीय टीम के स्टार ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए चोटिल हो गए हैं। रोहित शर्मा को हाथ और कंधे में चोट आई है। चोट लगने के बाद वे तुरंत मैदान से बाहर चले गए थे और इसके बाद वे फील्डिंग करने नहीं आए थे। रोहित शर्मा की ये चोट काफी गंभीर नजर आ रही है और अपनी इस चोट के चलते वे तीसरे वनडे से भी बाहर हो सकते हैं। अगर वे अपनी इस चोट के चलते तीसरे वनडे से बाहर होते हैं तो ये भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका होगा। यहाँ 24 जनवरी से न्यूजीलैंड दौरा भी है, ऐसे में वे इस दौरे से भी अपनी चोट के चलते बाहर हो सकते हैं। आपको बता दें कि राजकोट में खेले गए दूसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा ने भारतीय टीम के लिए 44 गेंदों पर 42 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली थी और भारतीय टीम को एक सदी हुई शुरुआत दिलाई थी। बता दें कि मौजूदा समय में रोहित शर्मा भारतीय टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक है। वे अब तक वनडे क्रिकेट के कुल 222 वनडे मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 48.92 की शानदार औसत से 8,954 रन बनाए हुए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 88.84 का रहा है। वे अब तक 28 शतक और 43 अर्धशतक लगा चुके हैं। उनका बेस्ट स्कोर 264 रन का रहा है। भारत के इस स्टार ओपनर बल्लेबाज ने जहां 32 टेस्ट में अब तक 44.54 की औसत से 2,141 रन बनाए हुए हैं, वहीं रोहित शर्मा ने अपने खेले 104 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 32.10 की औसत से 2,633 रन बनाए हुए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।